हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस, पार्ट वन है ये। कंटिन्यू करेंगे इसको और बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस की एनालिसिस के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर लेक्चर। Analysis of soft drinks and fruit juices. Introduction. Although marketing and image have a lot to do with a consumer's desire to try a product, कोई भी marketing कैसी है और उस market की image क्या है, किसी भी product की image क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो consumer है उसके mind को set करता है। क्योंकि कंज्यूमर जो मार्केट की वैल्यू देखता है, मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज देखता है, उसी के हिसाब से वो अपनी राय बना लेता है। तो कंज्यूमर की डिज़ायर के लिए मार्केट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और जो इमेज है मार्केट में, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे डू नॉट लाइक द टेस्ट दे विल नॉट परचेज इस अगेन। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, एक बार उन्होंने लिया, उनको टेस्ट नहीं आया, वो इसको दोबारा नहीं लेंगे। इसीलिए इसकी मार्केटिंग और इमेज दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं कंज्यूमर्स डिज़ायर के लिए। इन एडिशन इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरिएबल, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी क्वालिटी बहुत वेरिएबल है, इट विल नॉट लिव अप टू द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है तो वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा। एंड वंस मोर इट इज़ अनलाइकली दैट दे विल परचेज इट रेगुलरली, और ये भी बहुत अनलाइकली हो जाएगा कि वो इसको अगेन एंड अगेन परचेज करेंगे। क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट इतना वेरिएबल है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन भी फिर वेरिएबल ही हो जाएंगे, वो भी एक ही प्रोडक्ट को बार बार नहीं खरीदेंगे। The fortification of some food products such as cereals has been common practice for many years. Food products का fortification एक ऐसी टेक्निक है जैसे कि cereals का fortification किया गया है, ये बहुत common practice हो गई है बहुत सारे years से। But the addition of vitamins to soft drinks has been less usual. लेकिन soft drinks में vitamins का जो addition होता है, ये बहुत less usual देखा जाता है। However, with the drive for a healthier lifestyle, it has become more common. लेकिन आजकल ये बहुत common हो गया है। आप बहुत सारे drinks देखते हैं, vitamins से भरपूर होते हैं, इसलिए vitamins को उनमें add किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत लेस यूजुअल वर्क है जो कि हालांकि अब हो रहा है। देर इज ऑल्सो एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बीवरेजेस दैट मेक वंडरफुल क्लेम्स फॉर देमसेल्फ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने बारे में तरह तरह के क्लेम करते हैं ड्यू टू दी सुपर फ्रूट दे कंटेन, क्योंकि उनमें कुछ सुपर फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे जिनमें कि वो अपनी तरह तरह से बड़ाई करते हैं, अपनी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, इसको आप लेंगे तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से होता है, बहुत सारे वंडरफुल क्लेम्स करते हैं सुपर फ्रूट्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल पोमीग्रेनेट, एकाई एंड मैंगोस्टीन और हर्ब्स। These complex formulations can pose a real analytical challenge. और ये जो complex formulations होते हैं, ये analytical challenge को pose करते हैं to prove that the special ingredients are actually present. और तरह तरह के analytical challenges देखे जाते हैं और उसमें ये prove करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो special ingredients बताए हैं वो actually उस drink में present हैं। With the widespread use of computer controlled production
and packaging lines within factories, there is now little chance of mistake being made in formulation. ज़्यादातर processes जो भी packaging line में होती हैं या जो भी food production के time पे होती हैं, लगभग सारी processes computer controlled होती हैं. Production जब computer controlled हो गया है तो यहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं कि फॉर्मुलेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो. सो द लिमिटेड सेट ऑफ इक्विपमेंट इज नाउ यूजुअली फाउंड इन द क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी. इसीलिए जो क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी होती है उसमें भी लिमिटेड सेट ऑफ इक्विपमेंट्स मिलते हैं, बहुत कम इक्विपमेंट मिलते हैं, एक लिमिटेड सेट, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत कम देखी जाती हैं. सारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोडक्शन है तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी में भी लिमिटेड सेट ऑफ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है. इन अ जूस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री एडिशनल इक्विपमेंट्स सच एज गैस क्रोमेटोग्राफ विद मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन. यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफ विद स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन यूज़ किया जाता है, इसको शॉर्ट में DCMS लिखते हैं. गैस क्रोमेटोग्राफ एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये दोनों एक साथ में आते हैं यहाँ पे, और इसके साथ में और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC भी एक बहुत एडवांस्ड टेक्निक है जिसका कि यूज़ किया जा सकता है, मे बी फाउंड टू इंश्योर दैट द कंपनीज प्रोडक्ट्स कन्फर्म टू नॉर्मल स्टैंडर्ड. और ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पे है या फिर नहीं. देयर हैव बीन मेनी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द केमिकल एनालिसिस एरिया. केमिकल एनालिसिस एरिया में लगभग लास्ट 15 साल में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं. सिंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड, द बुक जहाँ से कि मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, उस बुक के पब्लिश होने से लगभग 15 सालों में बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं. HPLC system have developed extensively and will now typically be computer controlled. HPLC system बहुत advanced scale पे develop हुआ है और अब ये computer controlled है, thus requiring less skilled operators to use them. और computer controlled होने की वजह से बहुत ज़्यादा skilled operator की use नहीं होती है, जो कम नॉलेज है जिसको उसके बारे में वो भी इसको यूज़ कर सकता है. देयर हैव ऑल्सो बीन डेवलपमेंट टू रिड्यूस द एनालिसिस टाइम. यहाँ पे इस चीज़ को लेकर भी डेवलपमेंट्स हुए हैं कि एनालिसिस टाइम को रिड्यूस किया जा सके. एंड सॉल्वेंट यूज, साथ ही जिस सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है उसका भी यूज़ कम किया जा सके by using specialist liquid chromatography. यहाँ पे special liquid chromatographic columns का use किया जाता है ताकि analysis time और solvent का use कम हो with very small particle size. The general lack of method standardization in the soft drinks area is probably because the testing matrix is relatively straightforward. जो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के एरिया में, उनमें लेक इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो टेस्टिंग मैट्रिक्स होता है, टेस्टिंग मैट्रिक्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में होता है एंड डज नॉट पोज अ लॉट ऑफ द एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं देखी जाती हैं that are found in other areas of food analysis, जो कि food analysis के other areas में पाई जा सकती हैं, ये fruit drinks या soft drink के industries में ये नहीं देखी जाती हैं. Thus the industry and regulators have not felt the need to standardize the test method. इसीलिए जब यहाँ पे associated problems नहीं हैं ज़्यादा, तो जो industry है, जो regulators हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं लगी कि जो भी टेस्ट मेथड हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए.
although there are only a limited number of methods, यहाँ बहुत limited number of methods हैं that have been specifically validated for soft drinks, जिनको कि soft drinks के लिए validate किया गया है. A large number, that is more than 40 of validated methods are available for the analysis of fruit juice. लगभग 40 भी ज़्यादा validated methods हैं जो कि fruit juice की analysis के लिए available हैं. And most of which will work equally well for soft drinks. और यही methods जो कि fruit juice की analysis के लिए हैं, soft drinks की analysis के लिए भी same वैसा ही काम करते हैं और उतनी ही accurately work करके accurate result provide करते हैं. अब आता है laboratory accreditation. लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन. द ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987 वॉज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग साइट एज अ वे टू इनहेंस एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट. ISO 9000 जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे, इनका एम ये था कि जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग साइट पे ये वर्क करते हैं और जो प्रोडक्ट बनके रेडी हुआ है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और क्वालिटी के इन्हेंसमेंट में जो भी नियम कायदे कानून की ज़रूरत होती है उसको ये अप्लाई करवाते हैं. गाइड 25 लेड डाउन सिमिलर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डिटेल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम. एक गाइड 25 है जिसमें कि सिमिलर रिक्वायरमेंट्स देखी गई हैं कि किस तरीके से क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है. इसका एक डिटेल्ड और डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है विच इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द मेथड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड फॉर स्टाफ, मेंटेनेंस रिकॉर्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सो ऑन. और ये जो गाइड 25 है इसमें जो भी मेथड्स होते हैं उसकी एक कॉपी होती है, जो भी स्टाफ है स्टाफ की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड और साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी मौजूद होता है. इन 1999 द ISO गाइड वाज रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टैंडर्ड दैट इज 17025 व्हिच डिड अ वेरी सिमिलर जॉब. इसको रिप्लेस किया गया था फुल स्टैंडर्ड से और उसने लगभग सेम वर्क भी किया बट वॉज स्लाइटली लेस प्रिस्क्रिप्टिव. लेकिन ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं था ज़्यादा. सो गिविंग द लेबोरेटरी मोर फ्लैक्सीबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क. और इसलिए इसमें लेबोरेटरी को बहुत सारी फ्लैक्सीबिलिटीज मिल गई थी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन इंस्पेक्शन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम and the paperwork associated with it. जो verification हुआ standards जिन वहाँ पर requirement देखी गई कि जो भी paperwork वहाँ पर associated है उसकी quality का भी inspection regularly हो and it also assesses the laboratory's competence in carrying out the analysis. और यहाँ पर ये assessment भी किया गया कि जो laboratory है वो analysis को carry करने के लिए कितनी competent है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है. नेक्स्ट आते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन. एज द फ्लेवर एंड ऑडर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर सॉफ्ट ड्रिंक है या फ्रूट जूस है तो उसका फ्लेवर और उसका ऑडर बहुत मैटर करता है, वो उस प्रोडक्ट का इसेंशियल एलिमेंट होता है. सो दीज शुड बी क्लोजली कंट्रोल्ड. इसलिए इनका कंट्रोल बहुत क्लोज तरीके से किया जाना चाहिए. दिस इज जनरली कैरीड आउट बाई ट्रेंड पैनलिस्ट. और इसका कंट्रोल ट्रेंड पैनलिस्ट के द्वारा किया जाता है हु हैव बीन स्क्रीन्ड टू इंश्योर that they have an aptitude for this type of assessment. और जो trained panelist होते हैं उनकी screening की जाती है ये ensure करने के लिए कि वो उस type के assessment के लिए fit हैं और वो उसको कर सकते हैं.
At least every batch of the finished product should be checked to ensure that it is free from off test. हर batch जो भी finished product का batch है उसको check किया जाना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसमें किसी भी प्रकार का off test नहीं है and tastes normal और इसका test एकदम normal है जैसा कि होना चाहिए. For continuous production, appropriate checking should be instituted. Continuous production के लिए appropriate checking होना बहुत ज़रूरी होता है. Incoming raw materials such as juices or juice concentrates, sugar and water should also be assessed to ensure that they taste normal. जो भी इनकमिंग रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि जूस हैं, जूस का कंसंट्रेट है, शुगर है, वाटर है, इनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाना चाहिए कि इनका टेस्ट नॉर्मल है भी या नहीं, क्योंकि अगर पहले क्वालिटी को नहीं चेक किया गया तो ये आगे चल के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया उसकी क्वालिटी को, उसके टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं. एंड विल नॉट इम्पोर्ट एनी ऑफ टेस्ट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट. और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसमें कोई भी गलत तरीके का टेस्ट या गलत फ्लेवर, कोई भी ऑफ टेस्ट नहीं देंगे. अब आता है वाटर. वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है. एक तो ये सॉल्वेंट है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वाटर की क्वालिटी को चेक किया जाए रेगुलरली, इस पर इसके टेस्ट को, इसकी क्वालिटी को चेक करते रहा जाए. सो इन अ सॉफ्ट ड्रिंक और अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूस फ्रॉम कंसनट्रेट, अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट जूस जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है कंसनट्रेट से, द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज इज एन इसेंशियल एलिमेंट. इसमें बहुत इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है वाटर, कि जिस वाटर का यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है. Checking the water quality involves assessment of its odor and taste. Water की quality का assessment करने में कौन कौन सी चीज़ें check होती हैं, इसका odor और इसका taste. To ensure that it does not contain any off taste or odor, ताकि ये ensure किया जा सके कि जिस water का use किया जा रहा है उसमें कोई भी off taste नहीं है और कोई भी odor उसमें नहीं present है. The water should also be assessed to ensure that it does not contain materials that are likely to give a precipitate or flake in the product or storage. Water को इसलिए भी assess किया जाना चाहिए ताकि ये ensure किया जा सके कि इसमें कोई भी इस तरीके का material नहीं present है जो कि किसी तरीके का precipitation करवा दे या flake का production करवा दे, जबकि product को store करके रखा गया है. The most common cause for flake formation in a clear soft drink is microbiological contamination by yeast. अगर flake formation की बात करें तो जिसका सबसे common reason है, जो सबसे common cause है, वो है कि जो soft drinks होती हैं clear soft drinks में yeast के द्वारा contamination कर दिया जाता है. और अगर yeast के द्वारा microbiological contamination हो जाता है तो यहाँ पे फ्लक फॉर्मेशन देखा जाता है. इफ दिस अकर्स द ईस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई अलाउइंग द फ्लक टू सेटल इन द कंटेनर. अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आपको पता चलता है कि फ्लक का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको ईस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो ईस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, जो भी फ्लक है आप उस कंटेनर में उस फ्लक को सेट होने दें, या फिर प्रेसिपिटेटिंग इट बाई सेंट्रीफ्यूगेशन. या तो आप फ्लॉक को सेटल होने दें या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको प्रेसिपिटेट करवा दें. एंड वेरी जेंटली डिकेंटिंग ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द प्रेसिपिटेट. अब जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो भी लिक्विड पार्ट है वो बाहर आ जाएगा और प्रेसिपिटेट उसमें नीचे रह जाएगा. तो आपको बहुत जेंटली जो भी लिक्विड पार्ट है उसको डिके करना है और प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करना है.
It should be remembered that the fruit juice directive is very prescriptive as to what additives are permitted in fruit juices and nectars. ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फ्रूट जूस डायरेक्टिव हैं, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से एडिटिव्स को फ्रूट जूस में ऐड कर सकते हैं, नेक्टर्स में किन किन एडिटिव्स का एडिशन किया जा सकता है। आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो चीज़ परमिटेड ना हो। नेक्स्ट आता है स्वीटनर्स। बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है, बहुत मेहनत से बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। तो द स्वीटनर्स यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो स्वीटनर्स होते हैं, स्वीटनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कैलोरीफिक स्वीटनर्स और दूसरा आता है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। अगर हम बात करें कैलोरीफिक स्वीटनर्स की, तो इनको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर और दूसरे आते हैं नेचुरल हाई इंटेंसिटी स्वीटनर। तो कैलोरीफिक स्वीटनर की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं सुक्रोज, इनवर्ट सिरप्स, ग्लूकोज सिरप्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एंड हनी। आप देख सकते हैं इसमें सिरप जैसी चीज़ें ही आती हैं कैलोरीफिक स्वीटनर्स में। जैसे कि हनी है, सिरप जैसा होता है, उसी तरीके की चीज़ें जैसे कि सुक्रोज, इनवर्ट सुगर, ये सारी चीज़ें आती हैं कैलोरीफिक स्वीटनर्स में। अब अगर बात करें कैलोरीफिक स्वीटनर्स के पार्ट्स की, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर और नेचुरल हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स आते हैं इसमें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में होते हैं एस्पार्टेम, एस्कल्फेम के, सुक्रुलोज, सैक्रीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको कहीं भी चार पांच शुगर का नाम दे देगा और पूछ लेगा इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है, तो एस्पार्टेम है, सुक्रुलोज है, सैक्रीन है। ये बहुत कॉमन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए और इनको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और मोस्ट कॉमन जो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलता ज़रूर है। दूसरे टाइप के हैं नेचुरल हाई इंटेंसिटी स्वीटनर और इसमें आता है स्टेविया। स्टेविया बहुत हाई इंटेंसिटी का स्वीटनर है और बहुत ब्रॉड स्केल पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो रहे स्वीटनर्स के टाइप और स्वीटनर्स के एग्ज़ाम्पल। There have been a lot of interest in this natural high intensity sweetener. अगर natural high intensity sweetener की हम बात करें तो इसमें आता है stevia. Stevia एक ऐसा sweetener है जिसपे बहुत ज़्यादा focus दिया जा रहा है इस time पे. There has been a lot of interest in this natural high intensity sweetener, which is extracted from the leaves of a South or a Central American plant. स्टेविया नाम का एक प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इस स्टेविया नाम के प्लांट्स के लीव से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द यूज ऑफ स्टेविया हैज़ बीन परमिटेड इन जापान फॉर मेनी ईयर्स। स्टेविया का यूज जापान में बहुत सारे ईयर्स तक परमिट किया गया and has gradually been gaining regulatory approval, और इसको continuously regulatory approval मिल रहा है for use in foods and beverages around the world. ये जो stevia है, इसका broad scale पे use करने के लिए इसको continuously approval मिल रहा है, ताकि इसको foods में और beverages में पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल रेंज पे यूज किया जा सके। ऑल फ्रूट जूसेस नेचुरली कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ज़्यादातर जो फ्रूट जूस होते हैं, लगभग सभी, उनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नेचुरल स्वीटनर की तरह प्रेजेंट होते हैं।
एंड मिनी ऑल्सो कंटेन सुक्रोज। कुछ फ्रूट जूसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सुक्रोज भी प्रेजेंट होता है एज अ स्वीटनर। The proportion of the individual sugars seen in a juice depends on the actual fruit concerned. जो individual sugar है उसका proportion क्या होगा juice में ये depend करेगा कि actual fruit क्या है, actual fruit क्या लिया गया है और उसमें sweetness कितनी है, उसका sweetener उसमें कौन सा present है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अगर कोई बाहर से स्वीटनर या शुगर का एडिशन करते हैं तो वो कौन सा शुगर होगा या कौन सा स्वीटनर होगा जिसको आप ऐड करेंगे। एंड द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंडीशन टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड। और एक और चीज़ पे ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से शुगर का या स्वीटनर का एडिशन करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि जो भी फ्रूट जूस है आपका उसकी प्रोसेसिंग कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस में उसको प्रोसेस किया गया है और साथ ही साथ उसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, किस टेम्परेचर पे, कितनी ह्यूमिडिटी पे उसको स्टोर करना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करके ही आप इंडिविजुअल शुगर्स को या इंडिविजुअल स्वीटनर्स को ऐड करा सकते हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द टाइप ऑफ शुगर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन will depend on where the product is being produced. अगर soft drinks की बात करें तो जो भी sugar उनमें use किया जाएगा formulation में वो depend करेगा कि product को कहाँ पे produce किया गया है, किस जगह पे product को produce किया जा रहा है। Where the price of the sugar had previously been adjusted to support locally produced materials. यहाँ पे ये भी मैटर करता है, अगर EU कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे जो शुगर का प्राइस था, शुगर के प्राइस को लोकल प्रोडक्ट मटेरियल्स के अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट किया गया था एंड द शुगर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स वुड ऑफन बी सुक्रोज। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जिस शुगर का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वो सुक्रोज होती है या फिर और एन इनवर्ट शुगर सिरप या फिर एक इनवर्ट शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होने वाली शुगर की जगह पे। अब ये जो इनवर्ट शुगर है ये प्रिपेयर कैसी होती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीट और केन। इसको बीट से या फिर केन से डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये तो होता है कि आप शुगर का एडिशन किस तरीके से करवाते हैं, ऐसे ही आप किसी भी शुगर का या किसी भी स्वीटनर का एडिशन नहीं करवा सकते, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन एज वेल एज लोकल शुगर का प्राइस क्या है, इस चीज़ पे भी मैटर करता है कि लोकल शुगर आपकी सस्ती भी है और आपका जो स्वीटनर आपने ऐड किया है वो बहुत महंगा आपने ऐड कर दिया है और आपका जो प्रोडक्ट है वो फिर महंगा बन के रेडी होगा तो लोकल बेस पे उस चीज़ का यूज़ भी कम रह जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जो भी लोकल बेस पे जो टेस्ट ले रहे हैं लोग शुगर्स का, वो टेस्ट भी उनको नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो भी मटेरियल ऐड करना है शुगर का या फिर स्वीटनर का, उसका ध्यान में रखा जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ITLS Academy, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। For any help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you again. Thank you for watching this session.